सूरत में 50 लाख रुपए के डायमंड चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। सुबह की पाली में डायमंड फैक्ट्री में जब कई कर्मचारी काम में लगे हुए थे, शातिर चोर 50 लाख के हीरे लेकर अफू चक्कर हो गए। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हीरा चुराने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। पचास लाख के डायमंड चोरी की ये कहानी बिल्कुल फिल्मी है। किसी बॉलीवुड फिल्म के अंदाज में एक शातिर चोर ने दिन दहाड़े से अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद हुई ये तस्वीरें सूरत शहर के संत आशीष डायमंड फैक्ट्री की हैं, जहां डायमंड चोर ने हाथ की सफाई दिखा दी, लेकिन आखिरकार वो पुलिस की निगाहों से नहीं बच पाया। 17 फरवरी की सुबह करीब 7:15 बजे डायमंड फैक्ट्री में मौजूद सभी कर्मचारी और मैनेजर अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी मुंह पर रुमाल बांधे बैग लटकाए एक शख्स डायमंड फैक्ट्री में दबे पांव प्रवेश करता है। चोरी करने के इरादे से घुसा ये जैकेट वाला शख्स काफी देर तक फैक्ट्री में घूमता फिरता रहता है, लेकिन उस पर किसी की भी नजर नहीं जाती। फिर मौका मिलते ही ये चोर डायमंड फैक्ट्री से बिंदास 50 लाख के डायमंड चोरी कर बड़ी आसानी से रफू चक्कर हो जाता है। जब 50 लाख के हीरे की चोरी की खबर फैक्ट्री मालिक को लगी तो उसने पुलिस को खबर दी। मामला 50 लाख की हीरा चोरी का था, इसलिए कापोदरा थाना पुलिस के साथ सूरत क्राइम ब्रांच की टीम को तफ्तीश की जिम्मेदारी सौंपी गई। सीसीटीवी फुटेज और लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर सूरत क्राइम ब्रांच ने 24 घंटे के अंदर ही डायमंड चोरी का मामला सुलझा लिया और हीरा चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 50 लाख के डायमंड भी बरामद कर लिए। पुलिस की जांच में पता चला कि 50 लाख के डायमंड चोरी का मास्टरमाइंड इसी फैक्ट्री में काम करने वाला एक कर्मचारी चंद्रेश मोर्ची भाई चौबटिया निकला, जिसने अपने दो दोस्तों के साथ चोरी की योजना बनाई थी। एक व्यक्ति मुंह पे रुमाल बांधकर कारखाने में जाता है और हीरा की सफाई के लिए जहां डाइल्यूट एसिड में एक डब्बे में डाल के उसको रखा जाता है वहाँ जाता है, वहाँ से डब्बा उठाता है, अपने पास के बैग में डालता है और वहाँ से निकल जाता है। इस तरह से चोरी का बनाव था। 50 लाख से लगभग 50 लाख रुपए की कीमत के हीरे थे। तात्कालिक स्थानीय पुलिस ने भी काम शुरू किया, क्राइम ब्रांच को भी इस काम में जोड़ा गया और मुझे बहुत संतोष है कि पुलिस की सतत अथाग मेहनत के कारण यह गुनाह डिटेक्ट करने में पुलिस को सफलता मिली है। मुंह पर रुमाल बांधकर फैक्ट्री में चोरी करने गया शख्स दीपक अच्छेलाल माली था, जिसे चोरी में अच्छी हिस्सेदारी का भरोसा दिया गया था, लेकिन सुबह के समय चोरी की इस घटना से डायमंड फैक्ट्री की लचर सुरक्षा व्यवस्था की पोल भी खुल गई। जब फैक्ट्री में कई लोग मौजूद थे, उस वक्त एक चोर का फैक्ट्री में आना और 50 लाख के हीरे लेकर चंपत हो जाना हैरान करने वाला है। सूरत से संजय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के मेहसाड़ा में एक सामूहिक शादी समारोह में मारपीट का अखाड़ा यहां बना, क्योंकि मामूली सी कहासुनी के बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे। देखिए जरा। शादी का पंडाल बना मारपीट का अखाड़ा। शादी समारोह में जमकर चले लाठ घूसे, कुर्सियां बन गई हथियार, जमकर हुए वार। ये तस्वीरें किसी नेताजी की रैली की नहीं है जहां बवाल होना आम बात हो। ये तस्वीरें हैं एक शादी समारोह की, जहां खुशियों के आदान प्रदान की जगह कुर्सियों से वार पलटवार हुए। शादी समारोह को कलंकित करने वाली ये वीडियो गुजरात के मेहसाणा जिले से सामने आई, जहां मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद हंगामे में बदल गया। लेकिन इस हंगामे के पीछे की वजह खाने का स्वाद था या लड़के वालों का बेमतलब रौब, अभी इसका पता नहीं चल पाया है। सिर्फ ये वीडियो है जो वायरल हो रहा है और पूरे गुजरात में लोगों के मोबाइल तक पहुँच गया है। शादी की किरकिरी करना किसे कहते हैं, इस वीडियो से साफ पता चलता है। अब दोनों पक्ष पुलिस कंप्लेंट कर न्याय मांग रहे हैं और पंडाल वाले भाई साहब 100 से ज्यादा कुर्सियां टूटने का खर्चा। भैसाणा से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात समेत पूरे उत्तर भारत में अचानक से मौसम बदला है। फरवरी का महीना अभी गया भी नहीं है कि आसमान से सूरज आग उगलता हुआ नजर आ रहा है।
गुजरात में फरवरी महीने का सबसे ज्यादा तापमान का वर्षों पुराना रिकॉर्ड टूट चुका है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में हीट वेव की चेतावनी भी दे दी है। चुपती चलती गर्मी, चुपती चलती गर्मी का मौसम आया। सुबह शाम हल्की ठंडी हवा, लेकिन दिन में चटक बल्कि कड़ी धूप। फरवरी के महीने में मौसम का यही हाल है। सर्दी ठीक से गई नहीं कि मार्च अप्रैल वाली गर्मी पड़नी शुरू हो गई। अक्सर फरवरी के महीने में सुहावना मौसम रहता है, लेकिन इस साल बसंत के दिनों में ही देश के कई हिस्सों में पसीने छूटने लगे हैं। तापमान सामान्य से कहीं ज्यादा पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात में 21 फरवरी तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। कच्छ में 2023 की पहली हीट वेव की चेतावनी जारी की गई। अगले 24 घंटे में कच्छ के अंदर तापमान 6 डिग्री तक और बढ़ सकता है। भुज में 17 फरवरी को टेम्परेचर ने पिछले 71 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 17 फरवरी 2023 को भुज का तापमान 40.3 डिग्री दर्ज किया गया। बढ़ते तापमान के इन आंकड़ों से साफ है कि जैसे जैसे फरवरी के दिन बीत रहे हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है। लेकिन ये मौसम बेहद सतर्क रहने वाला है, क्योंकि बदलते तापमान की वजह से बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। दिन में बेशक निश्चिंत रहिए, लेकिन सुबह और शाम या रात में सर्दी से बचना जरूरी है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गुजरात के भावनगर में एक अनोखा शिव मंदिर है। कोलियाक तट से 3 किलोमीटर भीतर अरब सागर में निष्कलंक महादेव का मंदिर स्थित है। यहाँ सागर की लहरें रोज 5 शिवलिंगों का जलाभिषेक करती हैं। शिव भक्त यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। आइए जानते हैं निष्कलंक महादेव और रूपेश्वर महादेव से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं। जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकां दमट्ट मट्ट मट्ट मन्नि नाद बट्ट मर्वयं चकार चंड तांडवं तनोत्तु शिवं। ये शिवलिंग हजारों सालों से अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय रहस्यों के साक्षी रहे। दिन के 24 घंटे में से करीब 14 घंटे ये शिवलिंग समुद्र की गहराइयों में समा जाते हैं, और तब बाहर केवल ध्वज पताका रह जाती है। एक पतला सा चबूतरा, ये 5 शिवलिंग अथाह सागर और हर दिन सागर की प्रचंड लहरों का प्रहार। लेकिन दावा है कि 5000 सालों से ये शिवलिंग यही है, ऐसे ही है। गुजरात के भावनगर के पास समुद्री तट पर स्थापित इस पवित्र स्थान को निष्कलंक महादेव कहा जाता है। ये शिव जी समुद्र के बीच में है। दिन में 2 बार आप उसका दर्शन कर सकते हैं। जब जब समुद्र में भरती आती है, तब ये पूरा शिव का जो स्थान है वो समुद्र के अंदर डूब जाता है, और जब ओट आती है तब शिव जी का दर्शन हम लोग कर सकते हैं। हमने जैसा आपको स्तंभेश्वर महादेव मंदिर में दिखाया था कि वो दिन में 2 बार समुद्र में समा जाता है और फिर बाहर निकल आता है, निष्कलंक महादेव मंदिर भी इसी तरह घंटों सागर में समाहित रहता है, और जब पानी घटता है और बाहर निकल आते हैं ये 5 शिवलिंग, तब भक्त मनोकामनाएं लेकर और अपने जीवन काल में किए पापों के कलंक से मुक्ति की आस लिए उमड़ पड़ते हैं इस ओर, क्योंकि ये है निष्कलंक महादेव का दरबार। यहाँ जो लोग आते हैं निष्कलंक महादेव के दर्शन के लिए, इसका जो कलंक होता है सब साफ हो जाता है, इसकी मान्यता इधर की है। यहाँ आकर मन को शांति मिलती है, इसलिए यहाँ हर रोज कहीं लोग आते हैं, और भादरवी अमास के दिन यहाँ खूब मोटी संख्या में जन मेदनी यहाँ आती है। 2 लाख 3 लाख जैसी मेदनी यहाँ इस स्थल पे आकर वो कलंक में से मुक्त होते हैं, और उसका मन का जो दुख है वो यहाँ आके शांति मिलती है। दो
द्वापर युग को करीब 5000 साल बीत गए। तब कहा जाता है कि पांडव आए थे यहाँ महाभारत की लड़ाई के बाद अपने सगे संबंधियों की हत्या के पाप का प्रायश्चित करने। जब महाभारत का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में और पांडवों द्वारा अपने सभी रिश्तेदारों का जब वध हुआ, तब भगवान कृष्ण ने बताया था कि आप ये जो काले रंग की जो ध्वजा जी है, वो ध्वजा लेके आप ये समुद्र के किनारे किनारे चलते जाओ और चलते चलते जहाँ आप पहुँचो और ये जो ध्वजा का रंग है, ये रंग काले में से सफ़ेद हो जाए, तब आप समझ लेना कि आपका जो ये पाप है, आपके ऊपर जो ये लगा कलंक है, वो कलंक हमेशा के लिए मिट गया। गुजरात में से भावनगर का ये जो समुद्र किनारा है, वहाँ जब वो आए तब वहाँ पे ये ध्वजा का रंग था काला, वो काला रंग एकदम सफ़ेद हो गया और वहाँ आके पांच पांडवों ने अपने हाथ से भगवान शिव जी का स्थापन किया। तभी से ये जो समुद्र तट पे विराजमान भगवान निष्कलंक महादेव के सानिध्य में कोई भी आता है अपना कलंक लेके, वो उसका कलंक मिट जाता है। मान्यता के अनुसार पांच पांडवों ने यहाँ पांच शिवलिंग स्थापित किए। हर शिवलिंग के साथ नंदी महाराज मौजूद हैं। ये माना जाता है कि निष्कलंक महादेव का ये मंदिर कभी समुद्र की लहरों के अंदर ही गुप्त रूप से विराजमान था, कई सदियों के बीतने के बाद प्रकट हुआ।